पहली बात तो जो रियल एस्टेट के बिजनेस में होते हैं फ्रॉड बहुत है, वो पहले ही आपने बोले। तो आप जो कमिट करते हैं वो लोगों को आप वो देते हैं, तो वही सबसे बड़ी चीज वही है जो आज आज आप इतने अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ नेरल में आप इतने सक्सेस, क्योंकि आपके वीडियोस देखते रहता हूँ और आए दिन कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन ये वो होते रहता है, तो इसीलिए यही बड़ा रीजन मैं मानता हूँ आपके पीछे सक्सेस का, क्योंकि आप जेन्युइन हो, लोगों को फ्रॉड नहीं करते हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंट्रल लाइन प्रॉपर्टी। दोस्तों काफी दिन के बाद हम लोग फिर से एक बार इंटरव्यू ले रहे हैं। हमारा कस्टमर तंजानिया से है, इनका नाम है आमिर बेग, और इन्होंने ऑनलाइन हमारा वीडियोस देख के तंजानिया से बैठ के यहाँ पर बुकिंग किए थे और आज फाइनली इनका रजिस्ट्रेशन हुआ। सबसे पहले आमिर भाई बहुत मुबारक हो आपका फ्लैट के लिए, और हमारा चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले ये बताइए कि नेरल आपको कैसा लगा, और नेरल में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कहाँ से मतलब आइडिया आया कि नेरल में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन में? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फ्रेंड है अब्दुल कुद्दूस करके, उसने मुझे सजेस्ट किया था, क्योंकि ऑलरेडी उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। हाँ, अब्दुल कुद्दूस भाई, वो भी तंजानिया में है, आपका दोस्त है, मेरे साथ ही है। पहले उन्होंने बुकिंग की है और उसके बाद आपने किया। जी, फिर वो किया था, वो मुझे बोला था, लेकिन मेरा नेरल मुझे पता था, अच्छा एरिया है, हर चीज इधर का एटमोसफियर एवरीथिंग मुझे पता था, यहाँ अच्छा है। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह काफी हेल्प भी किए मुझे उसमें जी, मुझे हिम्मत भी आई। उस टाइम मेरे पास पैसे भी नहीं थे इतने ज्यादा, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 20 हमारा वीडियोस वगैरह देखने के बाद, कस्टमर्स के इंटरव्यू वगैरह देखने के बाद आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अभी करना चाहिए, मेरा दोस्त ने भी कर दिया। क्योंकि आपने आपसे जब बात हुआ था उसमें काफी दिन मतलब हमारा कॉन्टेक्ट, आप कॉन्टेक्ट में थे लेकिन बातचीत नहीं हुआ था बीच में काफी दिन। तो आप हमारा हो सकता है हमारा अपडेट वगैरह देखिए, प्रोजेक्ट का काम वगैरह देखिए, ग्रोथ देखिए, फिर उसके बाद मूड चेंज हुआ होगा आपका। हाँ, मैंने आपके वो सब जब भी हमारी बात हुई उसके बाद से मैंने आपके वीडियोस देखा जी। उससे पहले इतना वीडियो वीडियो आपके देखा नहीं था मैं एक्चुअली। जब देखा वीडियोस तो मुझे आप जेन्युइन इंसान लगे, और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डे जब से हम लोग की बात हो रही है अभी तक आप जितने भी कमिटमेंट किए वो फुलफिल मेरे लिए तो एकदम फुलफिल हुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे तो बड़ी बात यह है कि भाई ने जो फ्लैट लिए अंडर कंस्ट्रक्शन में ड्रीम्स प्लेनेट में उन्होंने बुकिंग किए, और आज तक उन्होंने सारे पेमेंट भी 100% पेमेंट भी कंप्लीट कर दिए, लेकिन मुलाकात हमारा पहली बार हो रहा है पहले दिन। ये सबसे बड़ी बात है, ये यही होता है ट्रस्ट। मतलब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पर लोगों का कितने सारे फ्रॉड केस आता है, बहुत सारा चीज रियल एस्टेट में होती है ना, स्कैम से। तो उसके बावजूद भी लोग बाहर बैठ के, बाहर दुनिया में बैठ के, अलग अलग कंट्रीज में बैठ के हमारा वीडियोस वगैरह देखते हैं और हमसे बिना मिल के इतना बड़ा अमाउंट डालते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है जी। और इसके पीछे हम लोग किसी कस्टमर से कोई एक रुपया भी नहीं लेते ब्रोकरेज के नाम पे, कमीशन के नाम पे। आप बताइए, ऐसा कुछ चार्जेस हमने मांगे थे? चार्जेस नहीं, एकदम फ्री है हमारा और एकदम सेफ है आप लोग। तो नेरल के बारे में कुछ बताइए, नेरल कैसा लगा आज यहाँ पर आके? आज काफी 2-3 घंटा हो गया साइट वगैरह देख के, मतलब ये एनवायरमेंट कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पे पहले आया था 15 साल पहले। अच्छा, और आज आ रहा हूँ तो काफी चेंजेस मैंने देखा है यहाँ पे, बहुत डेवलपमेंट भी दिख रहा है, और मुझे लगता है अपकमिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट भी है, आपने भी दिखाया और खान का वो भी, और भी बहुत सारे दिखे मुझे रास्ते में आने के टाइम। तो है, आपको लग रहा है नेरल में इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए, इधर पे आबो हवा अच्छी है कम्पेयर टू मुंबई जी। मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, मेरे बच्चे भी मैंने यहाँ भेजा हूँ, 6 मंथ हुए, मैं देख रहा हूँ कितने बीमार पड़ रहे हैं वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ पे रहेंगे मुझे लगता नहीं है इतना ज्यादा वो, मतलब पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आपको चाहिए था तो यहाँ पर ये मिल रहा है। दूसरा चीज, और बड़ी बात क्या होती है, जो बाहर कंट्रीज में रहते हैं ना, वो जब अपने बच्चे को प्लान करते हैं यहाँ शिफ्ट करने के लिए ना, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर ऐसा एटमोसफियर मिलेगा तो उनके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा, इजिली वो लोग एडोप्ट कर सकते हैं एटमोसफियर में, लेकिन जहाँ हम लोग मुंबई पॉल्यूटेड सिटी में जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत डिफिकल्ट है, बच्चे नहीं रह पाएंगे। मेरे बच्चे आए दिन बीमार रहते हैं, कल लास्ट मेरी बेटी का मैंने सब वो सब करा के है टेस्टिंग वगैरह। तो ओवरऑल आपको ये एनवायरनमेंट देख के, यहाँ का माहौल देख के आप सेटिस्फाइड हो? आपको लग रहा है कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया? हाँ, मुझे ऐसा कोई रिग्रेट कुछ, अगर ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट भी है तो भी बताओ, ऐसा नहीं है कि हम लोग रिग्रेट क्या, बस वही थोड़ा सा स्लो लगा मुझे प्रोजेक्ट जी जब देखने के बाद। हाँ, इसके लिए मैंने आपसे पूछा भी। हाँ, हाँ, मैंने आपसे पूछा भी कि इसकी कितनी अभी तक सेलिंग हो गई, आपने बताया जो अभी हुआ नहीं है, थर्ड थर्ड बिल्डिंग उसकी भी 50% ऑलरेडी सेल हो चुका है। हाँ, 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 हाँ।
सेलिंग भी प्रॉपर है, सही है, इतना वो नहीं है, इतना स्लो तो नहीं है। तो प्रोजेक्ट सेलिंग का, तो सेलिंग नहीं, सेल हमारा जो प्रोजेक्ट है ना ड्रीम्स प्लेनेट, ये ऑलमोस्ट सोल्ड आउट ही बोल सकते हो आप। इतना मतलब फर्स्ट जब हम लॉन्च किए ना, लॉन्चिंग के टाइम भी बहुत सारा बुकिंग हुआ था। हाँ, आपको अभी ऐसा लग रहा होगा मेरा स्टेटस वगैरह में, या जैसा पहले प्रॉपर वीडियोस आता था, पहले प्रॉपर इंटरव्यूज और हर दिन ड्रीम्स के बारे में बुकिंग वगैरह का अपडेट वगैरह व्हाट्सएप पर देखते थे, आप स्टेटस वगैरह चेक करते, तो वो कम दिख रहा होगा क्योंकि प्रोजेक्ट सोल्ड आउट ही हम कह सकते हैं, उतना ज्यादा अवेलेबल फ्लैट नहीं है, चॉइसेस फ्लैट हमारा खत्म हो गया। और दूसरी एक चीज है, काम के बारे में आप बोल रहे थे पहले, जो जिस हिसाब से काम हो रहा था स्पीड में, वो स्पीड थोड़ा सा कम हुआ है। इसका रीजन ये है, पहले सिर्फ एक बिल्डिंग का काम चल रहा था, बी बिल्डिंग जिसमें आपने बुकिंग की है, और अभी साथ में सी बी है और ए बी है, दोनों बिल्डिंग का, तो तीन बिल्डिंग का काम लगभग चालू है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब काम कम दिख रहा है, वही है, बाकी कुछ नहीं। और इसके अलावा आपको कुछ बताना है हमारे बारे में, या हमारा व्यूअर्स को कुछ ऐसा सजेशन देना है, कुछ आप बोल सकते हो? पहली बात है, जो रियल एस्टेट के बिजनेस में होते हैं फ्रॉड बहुत है, वो पहले ही आपने बोले तो आप जो कमिट करते हो वो लोगों को आप वो देते हैं, तो वही सबसे बड़ी चीज वही है जो आज आप इतने अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ नेरल में, आप इतने सक्सेस, क्योंकि आपके वीडियोस देखते रहता हूँ, आए दिन कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन ये वो होते रहता है, तो इसीलिए यही बड़ा रीजन मैं मानता हूँ आपके पीछे सक्सेस का, क्योंकि आप जेन्युइन हो, लोगों को फ्रॉड नहीं करते हो, और इंसान जो है ना वक्त जो टाइम बोला है वो टाइम पे करके दे ना, वो बड़ी बात होती है। जैसे आप सरफराज सर बोल रहे थे कि आप मेरे लिए उनको फोर्स कर रहे थे, इतना बिजी शेड्यूल था उनका, उसके बाद भी उनको आपने बुलाया और करा के दिया, क्योंकि हम लोग जो बाहर से जो कस्टमर होते हैं उनके लिए, उनके पास टाइम बहुत कम होता है, लिमिटेड रहता है। हम लोग किसी को ना नहीं बोलते, आपको मैंने कमिटमेंट कर दिया कि इतना तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बस आपने मेरा ऊपर भरोसा करके आ गए। आपको जरूरत ही नहीं पड़ा किसी से बात करने के लिए, आपको जरूरत नहीं पड़ा बिल्डर से बात करने के लिए, वो मेरा काम है बिल्डर को वहां से बुलाना। तो आपके उस पे था ना, बिल्डर से तो आज ही मिला और आज ही पहली बार बात भी किया, मैं सरफराज भाई को जानता भी नहीं था, मुझे थोड़ा भी ऐसा वो नहीं था कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे साथ कुछ फ्रॉड हो सकता है कुछ भी, 100% मैं कॉन्फिडेंट था, 100% मेरे को उसके लिए कोई वो नहीं था, बस खाली रजिस्ट्रेशन मैं सोचा आया हूँ तो कर देता हूँ, वरना वो भी नहीं करता मैं, जब ऑक्युपेंसी रहती तभी करता जी, बस मेरे पास था टाइम, वही मैं सोचा वही इन्वेस्टर को वैसे भी टाइम देते, जो इन्वेस्टर है हमारा जो वन टाइम पेमेंट करने वाले होते हैं उनसे पूरा पेमेंट भी नहीं लेते हम लोग, हमारा तरफ से बोलते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन चाहे तो बाद में करो, जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, डेवलपमेंट चार्जेस, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह, वो बाद में कभी भी 2-3 साल के बाद जब प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा या जब भी आपका मर्जी तब कर सकते हो, बेसिक अमाउंट जो है वो आपने दे दिए तो भी आपको एक अच्छा रेट मिल जाता है, और हमने इन्वेस्टर को बहुत कम रेट में फ्लैट सेल किए, और अभी तो इतना फ्लैट भी बचे नहीं है, और ईएमआई में भी हमारा चालू है, जिन लोगों का वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक साथ इतना पेमेंट नहीं दे सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके देना है, ईएमआई में देना है या स्लैब वाइज पेमेंट करना है, तो आप लोग भी कर सकते हो, थोड़ा सा पेमेंट में थोड़ा सा जो प्राइस है उसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो बाकी बहुत बहुत शुक्रिया है आप इंटरव्यू देने के लिए और इतना अच्छी अच्छी बात बोलने के लिए, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको और आपका फैमिली को। थैंक यू, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिन में और भी आप इन्वेस्ट करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह, मेरे थ्रू कोई ना कोई तो जरूर आएगा नहीं नहीं आपका फ्रेंड ने आपको दिए तो आपके थ्रू दूसरा आएंगे, और हमारा ज्यादातर बिजनेस अभी जो चल रही है ना, हम लोग इतना वीडियो नहीं बनाते आजकल, पहले हमने बहुत सारा वीडियोज बनाए थे, हर दिन वीडियो, हर दिन नया नया प्रोजेक्ट, बहुत कुछ किए, अभी हम लोगों का जो मार्केट बनाया है ना, जो रेफर हमारे पास 300-400 कस्टमर थे, उनका ही रेफरेंस से हर महीना कुछ ना कुछ बुकिंग होते रहती है, तो हमने मार्केट ही ऐसा बनाया, लोगों के साथ ऐसा हमने ताल्लुकात रखे हैं कि वही कस्टमर चाहते हैं कि नहीं कोई मेरा थ्रू अगर कोई फ्लैट ले रहा है तो नवाब भाई के थ्रू लेना चाहिए, ऐसा लोगों का मतलब पर्सपेक्टिव है और सोचते हैं, तो उसकी वजह से हमारा बिजनेस मतलब कम मेहनत में अभी ज्यादा हो रही है, पहले मेहनत बहुत करे हमने, तो बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।